राधिका आई थी तो वो जी मरक साहब के लिए ये एक सूट लेकर आई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहेंगे कि आज आप इतना तैयार श्यार क्यों हुई हुई है? आज ही है मेरा बर्थडे और बस असल में कल खाना था तो इसलिए काफ़ी खाना शाना घर में था, वही मतलब आज भी खाते रहे। आज हेल्पर भी नहीं आए तो मुकद्दस कह रही है कि मामा बाहर चलते हैं। कहती है मामा मैंने खाना तो कुछ नहीं है लेकिन चले बाहर ज़रा घूम फिर आते हैं, कोई एक दो मार्केट देख लेते हैं। असल में मैंने जाना है आज अम्मी की तरफ। अम्मी ने ना कुछ घर के ना काम शाम करवाए थे तो वो भी देखने हैं और अब्बू कल थोड़ा सा ना आप करेंगे मतलब नाराज़ हो रहे थे कि भाई घर में काम शाम करवाया तो आप लोग नहीं आए। असल में एक दो दिन मैं आपको पता है कि जैसे दावत थी मेरे घर पे तो मैं कामों में घर की सफाइयों में ज़रा बिजी थी तो इसलिए ना मैं फिर अम्मी की तरफ नहीं जा सकी। पहले मैंने उधर जाना है अम्मी की तरफ, उधर से होके तो फिर हम जाएंगे। जो जो क्लिप शूट करूँगी वो जी आपके साथ शेयर करूँगी। और कल जब राधिका आई थी तो वो जी मलक साहब के लिए ये एक सूट लेकर आई थी। मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ और माशाल्लाह बड़ा प्यारा सूट है ये जी। देखें जैसे सॉफ्ट कॉटन होती है ना, ये वो वाला सूट है। ये देखें बड़ा ना मतलब नफीस है सूट, माया लगाने की इसको ज़रूरत नहीं होती। आप इसको ना वैसे भी मतलब ना स्टिच करवा के ना तो इस तरीके आके तो पहन सकते हो। तो मैंने कहा चलें, मैंने मलिक साहब कह रहे थे नहीं आप वैसे करूँगा एक और सूट लूँ ना साथ में तो ये ना कट्टे पर स्टिच करवा लूँगा। आपको पता है कि गर्मी आ गई है और यकीन करें कि कपड़ों को पता ही नहीं जा रहा। अभी तो गर्मी आई भी नहीं है रोज़ आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बारिश हो जाती है और मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चलें आप वैसे करते हैं कि मैं बच्चों को आपको क्लिप दिखाती हूँ। बच्चे तैयार हैं, मलिक साहब बस रेडी हो रहे हैं, वो भी आ गए हैं और रात के भी 9:15 बज गए हैं। ठीक है तो चलें मैं आपको बच्चों का क्लिप दिखाती हूँ। ये जी मलिक साहब अभी केक लेकर आए हैं और ये देखिए ना मिट्टी और ये आमना। ये है केक, ये है किट, ये केटी है, ये बड़ा कर लेते हैं निके निके मोमबत्तियाँ। आपने खुद आगे से अंदाजा लगा लेना कितने साल है। 19 अच्छा 7th May 1983 कितने साल बन गए? 23 यार 40 से ऊपर की बन रही है कोई ज्यादा नहीं अंदर चली गई। ये जी आप बाहर रखेंगे, प्लेट्स भी रख ली हैं और फिर ना बाहर लगाते हैं। केक जी कट हो चुका था और एज मैं आपको अपनी बता दूं पूरे 40 साल की मैं हो गई हूँ और मतलब नेक्स्ट ईयर फिर स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले जी मैंने इब्राहिम को केक खिलाया क्योंकि मेरे बेटे ने कल भी सारा दिन वेट किया था और आमना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सब्र वाली है इसलिए इसको थर्ड नंबर पे मैंने दिया और अम्मी को दिया। और बस फिर इस एज में और तकरीबन शादी को अगर 22 साल गुजर जाए ना तो फिर हस्बैंड की बारी सबसे एंड में ही आती है। तो इन्होंने भी जो मेरे साथ किया है ना वो आज इनको पहले केक नहीं खिलाया तो वो ये देख लें इनके काम। मम्मा कग्गस ज्यादा सोए हैं आमीना। ये आज दुनिया का पहला मोजा। ये जी इब्राहिम अपनी हाथ से खा रहा है क्योंकि ये इसे पसंद है सिर्फ इसलिए। ये देखो खाओ कैसे रहा आप कैसे रहा खाना नहीं आता मजबूरी चेक करें भाई की वो फ्रॉस्टिंग खाई जा रहा है। मार्टिन बंद हो बंजी कल इसने कल जो केक मंगवाया था ना आप इन्होंने जो अम्मी ने मैंने वो बजट ने कल किया था
उसने देखा था, उसको पता लग गया था ये वाला मेरे खाने वाला नहीं और ये उठ गया था। अमना ने बाकी सब ने खा लिया था माशाल्लाह, केक बहुत मजे का था, लेकिन आज स्पेशल मैंने ये बैंक लिए। बस जी थोड़ा बहुत केक खाया, फिर हर चीज़ फ़ौरन से संभाली है और आ गए थे क्योंकि मुझे जाना था अम्मी की तरफ, तो मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ। अच्छा मिक्स बिस्किट जो हैं वो पैक करवाए थे क्योंकि अम्मी अबू ना मीठा इतना पसंद नहीं करते जैसे मिठाई और केक वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा ये तो चलें कोई गेस्ट भी आ जाए या खुद से भी ना बंदा चला लेता है। तो अबू माशाल्लाह गैदरिंग वगैरह पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अबू का दिल करता है कि डेली का ना कोई आया हुआ हो। और बस आगे आए हैं तो अम्मी ने बड़ी ही मज़े की सेवइयाँ बनाई हुई थी, बस सारे वो हम खा रहे हैं, साथ में चाय पी रहे थे। एक बाउल खाली हो गया है और एक अभी रखा हुआ था, अम्मी ने दोनों बाउल ला के रख दिए थे। और अच्छा ये टाइल लगवाई हैं अबू ने और अभी इनकी ना रगड़ाई वगैरह होने वाली है। और वॉशरूम भी दो तैयार करवाए हैं, वो एक आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये इस तरह से कम्बोर्ड न्यू लगवाया है और टाइल वगैरह लगवा के, और ये ना प्लास्टिक के डोर लगवाए हैं क्योंकि पानी ख़राब है ना तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अमना इब्राहिम इतने बोर हो रहे थे, इन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और अब मैंने कहा कि 10:15 बज रहे हैं तो ऐसे करते हैं इनको खिला पिला के तो ले जाती हूँ। मिस्टर विंग पे आए हैं यहाँ पे जी, हम एंटर हुए हैं फ़ौरन से, मैंने पहले ऑर्डर दिया और उसके बाद हम नीचे बेसमेंट में आ गए थे, वहाँ पे बैठे हैं। इब्राहिम अपना बस खेलों में मसरूफ़ है, पापा ने आमना को जी काबू कर लिया था क्योंकि पापा ने कहा था इसको नहीं निकलने देना, ये फिर दोनों बहुत ज़्यादा मिलकर शरारती हो जाते हैं, इतनी ये शरारतें करते हैं और फिर ना इब्राहिम कंट्रोल से असल में बाहर हो जाता है। और साथ ही में जी खाना हमारा तकरीबन आप कर लें कि 15 से 20 मिनट लगे थे, खाना आ गया था। अच्छा इतना ज़्यादा नहीं था मंगवाया, सिर्फ आमना और इब्राहिम के लिए मंगवाया था और उसका भी क्लिप लेना को नहीं था, याद रहा जब खा चुके हैं तो मुझे याद आया कि क्लिप भी लेना था, फिर बस ये छोटा सा क्लिप शूट किया है। और मैंने कहा चलें आमना इब्राहिम की पसंद की चीज़ें आराम से खा भी लेंगे, फिर मुझे घर जाके नहीं करना पड़ेगा। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस यही थी मेरी बर्थडे और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया और उसके बाद हम घर वापस आ गए। जी बच्चों को बाहर से घुमा फिरा के लाई हूँ तो थोड़ी सी वीडियो वाइज शूट की थी, अच्छा सर इतना ज़्यादा नहीं कर सके हैं, कहीं इतना आ जा भी नहीं सके हैं क्योंकि बच्चों ने सुबह जाना है स्कूल और काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, इब्राहिम बहुत ज़्यादा देर कर रहा है, आप सोना है। तो चलें उम्मीद करती हूँ कि आज की भी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।